दुनिया में आकर्षण भी बहुत है। जो पैसे कमाने में लगे हुए हैं वो बैंक बैलेंस बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। दुनिया में महल माड़ियां अटारियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही। बाप कहते हैं ये 100-150 साल का अंतिम पंप एंड शो है माया का। पहले इतनी महल माड़ियां अटारियां और इतना आकर्षण माया का नहीं था। साइंस के इतने जो साधन निकलते चले जा रहे हैं वो इतना आकर्षण करने वाले नहीं थे। ये जहाज, ये मोटर कार, ये कंप्यूटर, ये सब अभी निकले हैं। किस लिए निकले हैं? हमारी बुद्धि को आकर्षित करने के लिए, चकाचौंध करने के लिए। यानी स्थूल पदार्थों में जिनकी बुद्धि चकाचौंध में आ जाती है वो परमात्मा बाप से बहुत दूर हो जाते हैं। इन साधनों का भोग करते हुए भी बुद्धि एक बाप में लगी रहे, क्योंकि बाप कहते हैं ये साधन भी तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इनको ईश्वरीय सेवा में यूज करते हो तो। दुनिया के सारे साधन तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। यज्ञ की कल वाली जो दीदी दादियां दादाएं जो काखागा नहीं जानते हैं, लौकिक पढ़ाई का जानते थे, उनको हवाई जहाज अब क्या बड़ी चीज रह गई? कोई बहुत बड़ा साधन हो गया उनके लिए? नहीं। ये मर्तबा कहां से आया है? ईश्वरीय नॉलेज का बेसिक पाठ ही पढ़ाना, तो बेसिक पाठ में भी इतना मान मर्तबा, इतनी हद की प्राप्ति, तो जो संपूर्ण पढ़ाई है वो पढ़ेंगे तो उनको कितनी प्राप्ति होगी?